सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको डायरेक्टली सोल्व करना थोड़ा टिपिकल होता है। उन क्वेश्चंस को हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प से बड़ी आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो कुछ सब्स्टिट्यूशंस है हमारे पास। अगर आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है उसमें ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है, तो आप वहाँ पर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या तो ए टेन थीटा से, अदरवाइज ए कोट थीटा से। वो क्वेश्चन ये ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किससे सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा इजी कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से क्या मिल सकता है हमें, अगर मान लीजिए हम इसमें एक्स को ए टेन थीटा से रिप्लेस कर दें तो हमें मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन ले लें तो यहाँ पर मिल जाएगा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा होता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से हो सकता है हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। ऐसे ही अगर यहाँ पर कोट स्क्वेयर ले लेते तो वन प्लस कोट स्क्वेयर दैट विल बी कोट कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। अगर हमारे पास है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाली टर्म तो वहाँ पर एक्स को या तो ए साइन थीटा से अदरवाइज ए कोस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मिल सकता है, देखिए ए स्क्वेयर माइनस इसको रिप्लेस करें, यहाँ पर हो गया ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ए स्क्वेयर कॉमन आएगा तो वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा दैट विल बी ए स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर थीटा। ऐसे अगर ए कोस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता हमें ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। नेक्स्ट है, अगर आपके पास टर्म जो है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर टाइप की है तो उसमें आप एक्स को रिप्लेस कर सकते हो आइदर ए सीकेंट थीटा से और ए कोसिकेंट थीटा से। रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस ए स्क्वेयर, इसमें कॉमन आ गया ए स्क्वेयर, यहाँ पर रह जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन। सीकेंट स्क्वेयर थीटा जो माइनस वन होता है वो होता है आपका टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। क्लियर है चीज़ें। यहाँ पर स्क्वेयर रूट ऑफ ए माइनस एक्स हो ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं ए कोस टू थीटा से, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर एक्स को ए कोस टू थीटा से रिप्लेस करोगे यहाँ पर भी रिप्लेस करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। सो ये बन जाएगा आपका स्क्वेयर रूट ऑफ ऊपर ए माइनस ए कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए कोस टू थीटा विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ऊपर से ए कॉमन लिया तो वन माइनस कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉमन आया तो वन प्लस कोस टू थीटा, ए से ए कैंसिल, स्क्वेयर रूट ऑफ ए कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर टू साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई टू कोस स्क्वेयर थीटा। टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर रूट करोगे तो आपके पास आएगा टेंजेंट थीटा। ऐसे यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सेम पैटर्न यहाँ पर है, एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर को रिप्लेस कर सकते हो ए स्क्वेयर कोस टू थीटा से। ऐसे ही कुछ फॉर्मूले आके थोड़ा बहुत हमारा क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वेयर दिस एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए हमारे पास है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मेशन है। या तो हम इसमें एक्स को ए साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे या फिर ए कोस थीटा से। देखिए ए साइन थीटा से करें यहाँ पर ऊपर तो साइन आएगा और नीचे अगर कोस बन जाए तो साइन बाई कोस आपका टेन बन जाएगा जिससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं और वी कैन से सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट एक्स बाई ए साइन थीटा, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखिए टेंजेंट इनवर्स ऑफ ऊपर आ जाएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ऊपर है ए साइन थीटा
डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ, इन दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ऊपर है ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, तो जो है ए आपका बाहर आ जाएगा, इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, वो होता है कोस स्क्वेयर थीटा, ए से ए कैंसिल, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा है तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल होकर आपका यहाँ केवल बच जाएगा कोस थीटा, ठीक है, साइन बाई कोस होता है टेन, सो दिस विल बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होकर आपका थीटा आंसर। अब थीटा की वैल्यू हमें देखनी है क्या आएगी, देखिए यहाँ से अगर हम देखें वी हैव x इक्वल टू ए साइन थीटा विच इम्प्लाइज x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा विच इम्प्लाइज, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी अप्लाइंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, यहाँ पर साइन इनवर्स अप्लाई करोगे तो सिंपली थीटा रह जाएगा और यहाँ पर साइन इनवर्स x बाई ए, सो जो हमारा आंसर है वो है साइन इनवर्स, क्योंकि थीटा था और थीटा की वैल्यू जो है वो है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है हमारा, टेंजेंट इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, कह रहे हैं कि प्रूव करिए दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन ग्रेटर देन माइनस वन, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन है कुछ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और वी कैन से ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टाइप की, तो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले हम क्या करते थे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते थे उसमें हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होता था वो क्या होता था एक्स स्क्वेयर को ए स्क्वेयर कोस टू थीटा से रिप्लेस करते थे। अब यहाँ पर जो ए स्क्वेयर की वैल्यू है आपकी वन है सो ये हो जाएगा आपका वन इंटू कोस टू थीटा, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वेयर बाई कोस टू थीटा, दैट इज हमें पुट करना है एक्स स्क्वेयर को कोस टू थीटा, सो एल एच एस विल बी इक्वल टू, एल एच एस है हमारा टेंजेंट इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर को आपने पुट किया कोस टू थीटा प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस कोस टू थीटा माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस कोस टू थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन प्लस कोस टू थीटा, इसका फॉर्मूला हमें पता है वो होता है टू कोस स्क्वेयर थीटा प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ, फिर से यहाँ पर फॉर्मूला टू कोस स्क्वेयर थीटा माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ टू साइन स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, यहाँ से आप देखोगे स्क्वेयर रूट ऑफ टू, स्क्वेयर रूट ऑफ टू कॉमन आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर कोस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट है सो सिंपली यहाँ पर कोस थीटा प्लस यहाँ पर रह जाएगा साइन थीटा, नीचे से भी स्क्वेयर रूट ऑफ टू कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, स्क्वेयर रूट ऑफ टू से स्क्वेयर रूट ऑफ टू कैंसिल विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर से कोस थीटा कॉमन ले लीजिए यहाँ पर रह जाएगा वन प्लस साइन अपॉन कोस दैट विल बी टेंजेंट ऑफ थीटा
डिवाइडेड बाई, नीचे से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेंजेंट थीटा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई, दैट विल बी टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई। ये टेंजेंट पाई बाई फोर वन होता है, वन प्लस टेन थीटा, ऐसे नीचे वन माइनस, इसकी वैल्यू वन होती है, वन माइनस टेन थीटा, यही बन गया। तो ओवरऑल में हम इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, इसका जो है ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा हमारा और जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाई फोर प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखते हैं वो क्या आएगी। अब देखिए हमारे पास जो था स्टार्टिंग में हमने पुट किया था एक्स स्क्वेयर को कोस टू थीटा, विच इम्प्लाइज अप्लाइंग कोस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कोस टू थीटा रह जाएगा, टू से डिवाइड करिए, सो कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, देयर फोर दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू वेयर दिस एक्स इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन माइनस वन, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है चीज़ें? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पैटर्न पे हम। क्वेश्चन है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स वेयर दिस एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन ए एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माइनस ए। सिंप्लीफाई करना है इसको, मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखना है इसको। देखिए इस टाइप की जो भी फॉर्मेशन होती थी वहाँ पर हम क्या करते थे, पुट एक्स इक्वल टू ए कोस टू थीटा। अब देखिए थीटा की रिक्वायरमेंट हमें आगे जाके पड़ेगी, तो हम पहले ही थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, एक्स बाई ए विच इज इक्वल टू कोस टू थीटा, अप्लाइंग कोस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट कोस इनवर्स एक्स बाई ए विच इज इक्वल टू टू थीटा, सो वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स बाई ए विल बी इक्वल टू थीटा। इसको स्टार नाम दे देते हैं हम, पहले पुट करें इसमें, देखिए देयर फोर टेंजेंट इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स विच विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ ए माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास ए कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स की वैल्यू है ए कोस टू थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ, ऊपर से आप ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर रह जाएगा वन माइनस, यहाँ पर रह जाएगा कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे से ए कॉमन आया वन प्लस कोस टू थीटा। ठीक है ये चीज़ें, अब ए से ए कैंसिल हो गया अंदर, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ ए माइनस सॉरी वन माइनस कोस टू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कोस टू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वेयर थीटा, टू से टू कैंसिल विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर दैट विल बी टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा। सो यहाँ से जो आपकी थीटा ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है वो कितनी है, वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स बाई ए वेयर एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन ए एंड
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माइनस ए। क्लियर हैं चीज़ें?